नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दुनिया भर की मंदी को एक तरफ करते हुए भारतीय बाजार आपके लिए एक बार फिर आज लाइफ हाई लगाते हुए दिखे, जहां पे निफ्टी ने आपके लिए 23,024 एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो 23,026 का लाइफ हाई लगाया। सेंसेक्स की बात करें तो 75,636 का लाइफ हाई लगाते हुए दिखाया आपको, और लाइफ हाई लगाने के बाद सेंसेक्स अराउंड 200 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया, और निफ्टी की बात करें तो अराउंड 50 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली है। अब सवाल केवल इतना सा ही है, यहाँ से कितनी रैली बची हुई है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं। कल तो FIIs ने बहुत दमदार बाइंग करी थी, आज कैसा उनका फिगर आया है, एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ कवर करता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स में आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अगर आप अमेरिका की बात करें या फिर यूरोप या एशिया पैसिफिक, तो तीनों की एक एक करके बात करता हूँ। पहले अमेरिका, डाउ जोन्स 90 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक इंडेक्स में 1% की रैली है, S&P 500 0.5% ऊपर है, Russell 2000 1% ऊपर है, यानी कि अमेरिका में ब्रॉडर मार्केट में तेजी चल रही है, तो अमेरिका से संकेत सारे अच्छे आ रहे हैं। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो फिटसी आपके लिए 21 पॉइंट नीचे है, यानी कि लगभग 1/4%, डेक्स आपके लिए बिल्कुल फ्लैट है और कैक भी फ्लैट है, तो यूरोपियन मार्केट से कोई संकेत नहीं आ रहे हैं, अवॉइड करते हैं। एशिया पैसिफिक निकाई 1% निकाई ऑलमोस्ट 1% नीचे है, शंघाई में भी 1% की गिरावट है और हैंगसेंग 0.25% नीचे है। तो ग्लोबल मार्केट इस समय बटा हुआ है, एक तरफ अमेरिका आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा है, दूसरी तरफ एशिया पैसिफिक आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है, और यूरोप के बाजार से कोई संकेत ही नहीं आ रहे हैं। भारतीय बाजार लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, अमेरिका के बाजार में गिरावट चल रही थी कल तक, लेकिन आज वापस से तेजी लौटते हुए दिख रही है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट FIIs के डेटा पे, और उसके बाद अपने भारतीय बाजार का एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, एंड उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो चल ही रहा है, वहां पे आते हैं। तो FIIs के डेटा पे आ जाता हूं डायरेक्टली। FIIs ने कल बहुत ही दमदार बाइंग करी और आज उन्होंने कर दी है सेलिंग। छोटा फिगर आया है, हालांकि कुछ बड़ा नहीं है, सेलिंग का नहीं, टोटल काम जो उन्होंने किया आज वो छोटा किया है। फॉर एग्जांपल 11,564 करोड़ की टोटल बाइंग करी है, जिसके सामने 12,509 करोड़ की टोटल सेलिंग करी है, तो नेट फिगर आता है 944 करोड़ की सेलिंग का। आगे DIIs की बात करें तो इन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी है, नेट फिगर 2320 करोड़ की बाइंग का है। अगर बात करें बाय वैल्यू की तो 13,475 करोड़ टोटल खरीदा, जिसके सामने 11,155 करोड़ की सेलिंग कर दी है, और नेट फिगर 1320 करोड़ की बाइंग का आया। तो आप कह सकते हो कि FIIs एक बार फिर ब्रेक कर गए हैं, और DIIs की बात करें तो इन्होंने खरीदा है। अब बात करते हैं अपने भारतीय बाजार में क्या हो सकता है। देखिए, दो तीन चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला, जो करंट सिचुएशन है वो ये कह रही है कि बाजार ऊपर जाएगा, 23,200, 23,300, 23,500 तक आपके लिए स्क्रीन पे आ सकता है। ये आपके लिए हो गया एक दो दिन का मूड माहौल। दूसरा पॉइंट, हमारे लिए बाजार में अगर यहाँ से एक महीने का व्यू बनाऊं तो एक भी ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसको हम जानते नहीं हैं और जिस पे हम रिएक्ट नहीं कर चुके हैं पॉजिटिव साइड में। हमें इलेक्शंस के लिए पॉजिटिव है इसलिए बाजार भाग रहा है, हम कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं इस समय। तो सामने से कुछ भी नेगेटिव आता है ना तो काफी शार्प सेलिंग आ सकती है, और विक्स दर्शा रहा है कि किसी भी वक्त सेलिंग आ सकती है, क्योंकि 21-22 पे विक्स ट्रेड कर रहा है इंडिया विक्स, तो ये संकेत अच्छे नहीं है। और बाजार का मोमेंटम, बाइंग सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो आप इस समय क्या हो कि कश्मकश में हो, खरीदें या बेचें या दूर बैठें। तो इसमें मेरे हिसाब से देखो, लॉन्ग टर्म का बाजार बुलिश है तो जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहे, शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी हो सकती है और वॉलिटिलिटी में नीचे आ सकता है बाजार, तो जिसके पास पैसा है वो पैसा रखे रहे। 15 जून के बाद आप चाहो तो लगाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि तब तक इलेक्शन का पूरा इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, बजट की कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से एक एनालिसिस बनता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए मार्केट में भरपूर चल रहा है, तो कहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है एक एक करके वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स की बात करें तो इसके बारे में मैंने सिर्फ प्रीवियस वीडियो में ही आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करे हैं ज्यादातर नंबर्स, जहां पे मैकडोवल, यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा, टोरेंट फार्मा के नंबर करूंगा, सन टीवी के नंबर्स, स्टोव क्राफ्ट, नारायण हृदयालय, मुंजाल ऑटो, कर्नाटका बैंक, जितने भी बड़े नाम हैं, हिंदुस्तान कॉपर वगैरह, इनके रिजल्ट्स मैं आप सभी के साथ कल दिन के दौरान डिस्कस कर दूंगा।
आगे बात करें तो रिजल्ट कल कहां कहां आएंगे, वैसे तो सैटरडे ज्यादा आएंगे नहीं, बट कुछ नंबर्स डेफिनेटली आएंगे क्योंकि आपके लिए रिजल्ट सीजन अब एंड हो रहा है, तो छोटी छोटी कंपनीज के बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, यानी कि बहुत बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाती है छोटी छोटी कंपनीज के स्टॉक की। निफ्टी से डीवीज लैब के नंबर आएंगे, बड़ा नंबर है, क्लोज टू वॉच होगा। आपके लिए अरविंदो फार्मा के रिजल्ट्स भी कल आते हुए दिखेंगे, रिलायंस पावर, शारदा एनर्जी, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ब्लू जेट हेल्थ, WPIL, वाडीलाल इंडस्ट्रीज, पारस डिफेंस। पारस डिफेंस आज 10% भागा है, इसके नंबर्स आने वाले हैं, लेट्स सी कैसे आते हैं। PTC इंडिया, ये सारे स्टॉक हैं जो कल रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे आपको दिन के दौरान, और मैं आपके साथ डेफिनेटली जैसे रिजल्ट्स आएंगे डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।